खबरों में बने रहने के लिए अपना डॉट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। अभी हम आए हुए हैं सीतामढ़ी में, यहाँ पे मुकेश नंदन जी आए हुए हैं पटना से। ये आए हुए हैं सुनील कुमार पिंटो जी के नॉमिनेशन में। अभी इनसे मिलते हैं और बात करते हैं सुनील जी के बारे में। आज बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है, एक ऐसे व्यक्ति को एनडीए ने सीतामढ़ी का उम्मीदवार बनाया है जिनकी पृष्ठभूमि लगातार सीतामढ़ी में के सेवा कर रहा है। इनके दादाजी, इनके पिताजी और सुनील कुमार पिंटू जी स्वयं लगातार 8 बार इन लोगों ने अपने परिवार से इस सीतामढ़ी की विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व और इसीलिए प्रतिनिधित्व किया क्योंकि वो जनप्रतिनिधि थे, बल्कि वो जन सेवक के तौर पर जो है उन्होंने अपना पूरा प्रतिनिधित्व। और एक ऐसे लोकप्रिय व्यक्ति को विधानसभा के बाद आज लोकसभा का प्रत्याशी बनाना, जैसे ही ये प्रत्याशी बनने की घोषणा हुई पूरे सीतामढ़ी में एक ऐसा माहौल बन गया है कि अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री सुबोध सिंह जी, मंच के संचालक जनता दल के जिला अध्यक्ष रणधीर सिंह जी कहने के लिए आए हैं, श्री सुनील कुमार पिंटू जी, बिहार सरकार के मंत्री श्री शर्मा जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री महेश भाई, थोड़ा सा बताइएगा इस बार जो आप एनडीए के सरकार उम्मीदवार चुने गए हैं इसके बारे में। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश जी और रामविलास पासवान जी के संयुक्त बात के बाद यहाँ जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपने लिखित लड़ने का समर्थन जाहिर किया, तो उन लोगों ने बात करके मुझे संयुक्त उम्मीदवार के रूप में बनाया है और मैं सीतामढ़ी की जनता का और डॉक्टर वरुण जी का आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे मेरे नाम का उन्होंने प्रस्ताव दिया, और मैं पूरी जनता का आभारी हूँ जितने कम समय में ही जनता ने अपने आप को उम्मीदवार बन के हमसे आगे आगे जनता चल। धन्यवाद। पहले के जो कैंडिडेट थे हमें उस पर भी कोई विवाद नहीं था, जब उन्होंने स्वयं ही अपनी नामजदगी की कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, तब एनडीए गठबंधन ने फिर एक विचार किया फिर किसको लाया जाए, तो मुझे लगा कि पार्टी को भी ये लगा और एनडीए गठबंधन को भी कि जो यही जन्मा है, जो यहाँ की चप्पे चप्पे की ज़रूरत को, व्यवस्थाओं को और जो परेशानियों को समझता है उसे आना बेहतर होगा, तो उसके लिए जिस कैंडिडेट को चुना गया सुनील कुमार पिंटू जी, मुझे लगता है बहुत सशक्त है और सभी की शुभकामनाएं हैं। और सबसे बड़ी बात इस समय देश की रक्षा का सवाल है, देश की सुरक्षा का सवाल है, हम क्या कर रहे हैं, विकास बनाम विनाश की बात कर रहे हैं, किस चीज़ की बात कर रहे हैं, देश को कहाँ भेज रहे हैं, और हम एक प्रश्न करना चाहते हैं कि क्यों मोदी जी से डर लगता है और किसको मोदी जी से डर लगता है, हमें तो नहीं डर लगता, आपको भी नहीं लगता, यहाँ की जनता जो खड़ी है किसी को मोदी जी से नहीं डर लगता, मोदी जी से किसी को डर लगता है जो भ्रष्ट है, जो भ्रष्ट है मोदी से सिर्फ वही त्रस्त है। तो मुश्किल की बात यह है कि जिन्होंने बहुत भ्रष्टाचारी कर लिया, जिन्होंने सारे करप्शन कर लिया और 5 साल में उनको मोदी जी के खिलाफ एक ऐसा मुद्दा नहीं मिला जिस पर वो सही मायने में प्रूफ के साथ ये कह सके कि हाँ मोदी जी ने कुछ, मोदी जी की सरकार में, मोदी जी तो कभी कर ही नहीं सकते, मोदी जी की सरकार में। आपको उदाहरण देना चाहती हूँ, अभी मैं राष्ट्रीय महिला आयोग के तौर पे मैं गुजरात में थी, अहमदाबाद में गई थी, तो मैंने पूछा कि क्या मोदी जी की माता जी से आशीर्वाद ले सकते हैं, उनके घर पर अनुमति बहुत लोगों की नहीं है, लेकिन मैं गई तो मैं तो आकलन कर रही थी कि प्रधानमंत्री का घर कैसा होगा, प्रधानमंत्री का घर का चप्पा चप्पा एक एक दीवार में लगता पैसा बोल रहा होगा। जब मैं वहाँ गई, एक साधारण सा घर
और उनको पहले से सूचना नहीं थी क्योंकि वहाँ अनुमति नहीं है, उनके भाई से अनुमति लेकर के उनके साथ में गई। जब उनकी माँ को देखा एक छोटे से चौकी पर सोए हुए, वहाँ पर एक घड़ा रखा हुआ था, एक ग्लास रखा हुआ था, और उनको भी नहीं पता था कि मैं आ रही हूँ। वो बीमार भी थी लेकिन उसकी स्थिति को देख करके लगा, एक चार बार का मुख्यमंत्री, एक बार 5 साल का देश का प्रधानमंत्री, कि क्या आपने नहीं देखा है जो कोई एक बार बनता है उसका रहन सहन और उसकी परिवार की व्यवस्था और परिवार को कितना वो धनाढ्य करता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हम गर्व करते हैं और गर्व करती हूँ ये कहते हुए कि हाँ मैं भाजपा की सिपाही हूँ, NDA का की समर्थक हूँ। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे ज़्यादा मैं ठोक करके तार ठोक करके कहती हूँ कि ना उनके ऊपर कोई धब्बा लगा है और ना कोई लगा सकता है, क्योंकि पाक साफ और बहुत ही शरीफ और ईमानदार है और देश को ऐसे ही मतलब नेता की आवश्यकता है ताकि देश में पूरे विश्व में जो उन्होंने परचम लहराया वो विश्व का परचम पूरे देश में, देश के साथ साथ एक एक जन के घरों में विकास के रूप में वो परचम दिखे। कहने का मतलब कि नरेंद्र मोदी जी ही इस देश के लिए हैं, और राहुल जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करती, पर मुझे अभी कुछ दिन पहले उनके बारे में, जैसे उन्होंने गजनी फिल्म देखी, अभी मैं जब आ रही थी सीतामढ़ी तो दो उनके वीडियोस यूट्यूब पे काफ़ी वायरल हो रहे हैं, मैं उसमें देख रही हूँ। लिटरली सामने बैठा हुआ आदमी क्या प्रश्न कर रहा है, आप उससे पूछ रहे हैं कि राहुल जी के बारे में क्या है, और मैं इस छोटे से भाई के बारे में बताना शुरू कर दूँ तो उनको आम और इमली में फ़र्क ही नहीं है कि आम और इमली क्या है। तो जिस व्यक्ति को एक छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं हो वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को उम्मीदवार साबित करने पर तला पर, और ऐसे लोग जो आज भी बेल पर हैं, बेल पर बाहर हैं, और ऐसे लोग जो करप्शन के साथ साथ 10 वर्षों में शासन रहा, मनमोहन जी, मैं नहीं कहती कि मनमोहन जी खराब थे, मनमोहन जी को कुछ करने नहीं दिया गया, उनको सिर्फ मुंह में एक टेप लगा करके रख दिया गया कि जो जितना लूट सकता है लूट दो। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ की जनता, भारत देश की जनता अगर नहीं जीतती, और ये महागठबंधन जिसको जिस भी नाम से देखना चाहिए, महागठबंधन अगर आती है, गलती से भी अगर आ जाती है, तो आपको मैं बता दूँ कि जो भी प्रधानमंत्री के रूप में बैठेगा वो इसी शर्त पर बैठेगा कि तुम धृतराष्ट्र बन जाओ, तुम्हारे जितने भी लोग हैं तुम आँख कान नाक, नाक तो सिर्फ सांस लोगे क्योंकि तुम्हें जिंदा रहना, आँख और कान बंद कर लेना और जमान पर फिर से सेलो टेप लगा लेना और उसके अलावा कुछ नहीं। जितना देश लूट सकता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 वर्षों में देश के खजाने को भरा है, आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया है, और ये आ गए गलती से भी, भगवान ना करे ये गलती से भी इनके बारे में लोग कोई कल्पना करे, अगर गलती से भी ये कभी ये सोच लिए, मैं परिकल्पना करती हूँ तो मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि पहले देश फिर हम, और मुझे लगता है कि ये देश को नोच नोच करके खा जाएंगे, चील कौवे की तरह जैसे एक लाश को खाया जाता है, ये देश को लाश समझते हैं क्योंकि इनके अंदर, इसके अंदर कोई भी भावना नहीं है और ना ही कोई संपत्ति है और ना कोई सहानुभूति है देश के प्रति, उनको सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के बाद उनको वो जो लूट खसोट है सिर्फ वही चाहिए।